हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियाज पैशन। आज मैं एक ग्लोइंग स्किन का फेस पैक लेके आई हूँ, जो घरेलू इंग्रेडिएंट्स ही है पूरा। उसमें रसोई का मसूर दाल और फ्रूट्स में है ऑरेंज, और ये थोड़ा सा रॉ मिल्क और बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल, इतना ही लगेगा यूज़ करने के लिए। और इसका बेनिफिट क्या है और कैसे करना है मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको बता रही हूँ ये मसूर दाल को क्या करना है। ये मसूर दाल को सूखा ही हम लोगों को मिक्सी में पूरा ग्राइंड कर लेना है, एकदम बारीक। ये देखिए पूरा एकदम बारीक से इसको पीस लेना है। और मैं अब बताती हूँ कि हम लोग मसूर दाल क्यों यूज़ करेंगे, इसका बेनिफिट। मसूर दाल एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो नेचुरल बेस्ड क्लींजर है, स्किन को क्लीन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ा जो इसका काम है ना, ये जो स्किन का डेड सेल है इसको रिमूव कर देता है, ब्लैक हेड्स को बहुत कम करता है, स्किन का जो पोर्स है वो पूरा ओपन कर देता है, और टैन अगर बहुत ज़्यादा हो गया उसको रिमूव करता है। तो एक चीज़ में इतना सारा मतलब काम। ऑरेंज हमारा स्किन को बहुत ही लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है, और ये एक्ने को भी कम करने के प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होते हैं। ये भी डीप क्लींजिंग करता है, और विटामिन सी बहुत ही है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसलिए स्किन के लिए ये भी बहुत हेल्पफुल है। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये जो मिल्क में बहुत ही लैक्टिक एसिड रहने के कारण ये स्किन को बहुत ही डीप क्लींजिंग करता है, और ये भी एक्ने कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। और ये जो एलोवेरा जेल है ये स्किन मॉइस्चराइज़र का काम करता है। अगर आप लोग को इतना सारा इंग्रेडिएंट्स ना मिले और आप लोग को मैंने चाहिए कि स्किन क्लींस करना है, तो खाली ये दो इंग्रेडिएंट्स से भी आप लोग काम चला सकते हैं, लेकिन ये चारों अगर मिल जाए तो इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको बनाना कैसे है मैं दिखाऊं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ही बना के दिखाऊंगी आपको, स्किन के लिए जितना चाहिए आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं ये मिल्क डाल रही हूँ, अभी ये जो ऑरेंज का जूस मैं डायरेक्टली इसमें ऐसे हाथ से ही प्रेस करके दे रही हूँ। थोड़ा सा प्रेस करने से ही तो ये आ जाता है बस। और एक चीज़ बताऊँ, ये आफ्टर 12 इयर्स कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरा खाली बड़े लोग ही लगा सकते हैं, यानी क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। स्किन सफ़ा तो सबको चाहिए, एकदम छोटे बच्चों को क्यों मना किया जाता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव स्किन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्किन अगर सफ़ा नहीं रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए अगर आफ्टर 12 इयर्स ही हम लोग ये वीकली कम से कम वंस भी यूज़ कर सकते, क्योंकि बाजार का हर एक प्रोडक्ट बच्चों को नहीं दिया जा सकता है ना यूज़ करने के लिए, तो इसके लिए ये आराम से आप यूज़ कर सकते हो। बच्चों से लेके बड़े सारे यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। हाँ, बच्चे वीकली वंस करेंगे जो लोग, और अगर हम बड़े लोग हैं तो वीकली 3 यूज़ करने से रिज़ल्ट ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार यूज़ करने के बाद रिज़ल्ट तुरंत दिखेगा, लेकिन वो तो लॉन्ग स्टे नहीं करेगा। अगर आप लोगों को रिज़ल्ट पूरा परमानेंट चाहिए तो ज़रूर वीकली 3 times कीजिए, और रेगुलर कीजिए, तो जो स्किन डैमेज होता है वो फिर से ठीक होने का लिए ये पूरा हेल्प कर देगा आप लोगों को। ये मैं एलोवेरा जेल भी इसमें मिला दी हूँ। अभी देखिए एक स्मूथ पैक तैयार हो गया। अगर आपको और स्मूथ चाहिए तो थोड़ा सा और मिल्क दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किन में लगाने के लिए पूरा फेस में जितना चाहिए हम उतना दे सकते हैं। देखिए, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो अपलोड करती रहूँगी आप लोग के पास पहुँच जाए। ये देखिए मेरा ये पैक बन के रेडी हो गया है, अब मैं इसको यूज़ करके भी दिखाऊँगी लगा के। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोलना मैं भूल गई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
देखिए मैं एलोवेरा जेल तो लेने के लिए बोलती हूँ, बट स्किन इतना सेंसिटिव है, फेस का स्किन आप हाथ में यूज़ करेंगे तो उतना पता नहीं पड़ेगा। एलोवेरा में बहुत जनों का ईचिंग होता है, लेकिन उसका कारण क्या है जानते हैं? इसका जो येलो पार्टिक निकलता है वो बहुत डेंजरस है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, कम से कम 7-8 घंटा एलोवेरा, रॉ एलोवेरा को अगर आप काट के लेते हैं पेड़ से, तो उसको काटने के बाद ऐसे छोड़ देंगे, जिसका जितना अंदर से येलो पोर्शन है वो पूरा निकल जाएगा। देखिए ये 7-8 घंटे में मेरा वो जो येलो पोर्शन पूरा ब्लैकिश हो गया। ये अगर स्किन में लगता तो ऑब्वियसली ईचिंग या रैश तो होता ही है, तो इसलिए एलोवेरा का अच्छा चीज़ हम लोग ले लेंगे और जो बुरा चीज़ है उसको पहले ही निकाल देंगे। और एलोवेरा का जेल कैसे निकालना है वो मैं पहले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ, आप लोग एक बार उससे देख लीजिएगा। ये मुझे लगा कि ये बोलना मतलब बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल दी। अब मैं ये लगा के आपको दिखा रही हूँ, मतलब स्किन में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। हाँ अभी लगा के ही दिखा दूँगी, और मैं बार बार बोलती हूँ ना, मैं जो भी यूज़ करती हूँ खुद माने लगाती हूँ और यूज़ करके फ़ायदा होता है तभी मैं बताती हूँ, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं दिखाने के लिए करती हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। हाँ एक ये लगाने के बाद टाइट हो जाएगा, इसलिए बात मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। ये लगा के 15 मिनट्स आपको स्किन में छोड़ना है, और उसके बाद हल्का सा रब करके पूरा धो देना है, और वो जो थोड़ा थोड़ा दाना रहेगा ना रब करेंगे, उसका डरने का कोई चीज़ नहीं है, वो पूरा स्किन का जितना डेड सेल है वो ऑटोमेटिकली निकाल देता है। और उसके बाद स्किन कभी भी खाली मत छोड़िएगा, जरूर मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिएगा, नहीं तो पोर्स जो ओपन हो जा रहा है ना उसमें फिर से डस्ट भर के जितना हम लोग अच्छा करने के लिए गए उतना ही बुरा होगा। ये मैं बताती हूँ, खाली ये पैक बोल के नहीं, आप लोग जो भी पैक यूज़ करते हैं, स्क्रबर यूज़ करते हैं, स्किंजर यूज़ करते हैं, आफ्टर स्क्रबिंग क्लिनजिंग पैक जो भी करते हैं, मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत ज़रूरी है, तभी स्किन हेल्दी रहेगा, वरना नहीं। मैं अब लगा देती हूँ और इसको छोड़ दूंगी मैं 15 मिनट्स, उसके बाद धो लूँगी। पूरा मैं अंदाज से लगा रही हूँ, मेरे पास ना ही आईना है ना ही कुछ, मैं कैमरा में देख के लगा रही हूँ, पता नहीं ठीक ठाक लग रहा या नहीं, मैं दिखाने के लिए ही लगा रही हूँ, इसीलिए बिना मिरर का ही लगा दे रही हूँ। लेकिन और एक चीज़ है, जब भी लगाएंगे स्किन में ना गले को मत छोड़िएगा, क्योंकि फेस के साथ गला भी हम लोग का एक्सपोज होता है, तो फेस साफ हो जाएगा और गला नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता है ना, इसलिए गले के मतलब साथ ही आप लोग कोई भी पैक, कोई भी स्क्रबर, कोई भी क्लिनजर जो भी यूज़ करेंगे हमेशा गले के साथ कीजिए। पता नहीं ये तो आप लोग भी बोल पाएंगे कि मेरा स्किन में पूरा लगा है कि नहीं, लेकिन ये मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी, मैं इसको लगा के 15 मिनट्स रखूँगी और आफ्टर 15 मिनट्स मैं इसको धो दूँगी। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइए, यूज़ कीजिए, और करके मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि कैसा हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके फिर मिलती हूँ, बाय बाय।